हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फोर में साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर टू में समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट आर एन एनिमल्स इज कॉल्ड। नेचुरल होम प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का जो नेचुरल होम होता है उसको क्या कहते हैं? हैबिटेट, ऑप्शन बी सही है। पहले का ऑप्शन बी सही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं तो पहले में बी टिक कर लीजिए। सेकंड, प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट पाम एंड प्रिकली ग्रास पीएस ग्रो इन। कैक्टस या फिर प्रिकली पीएस काटेदार जो पौधे हैं उस टाइप के, ये कहाँ पाए जाते हैं? डिजर्ट में मिलते हैं ना, तो इसका ऑप्शन सी सही है, डिजर्ट, इस पर टिक करिए। थर्ड, द लीफ ऑफ अंडर वाटर प्लांट डू नॉट हैव, अंडर वाटर प्लांट जो हैं पानी के अंदर पाए जाते हैं उसमें स्टोमेटा नहीं होता है, बताया गया था पिछले दिन, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, तीसरे में ऑप्शन सी सही है, टिक कीजिए। और प्लांट्स सच एज ग्रो इन द कोस्टल एरिया, कौन से प्लांट ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मैंगो, नीम और कोकोनट, इसका ऑप्शन सी सही है, कोकोनट जो है वो कोस्टल एरिया में पाया जाता है। फिफ्थ, फीचर प्लांट्स यूज इमेज एंड स्मेल मेथड टू अट्रैक्ट, जो फिट बच्ची पौधे हैं इसका एग्जांपल है फीचर प्लांट्स, ये किसे अट्रैक्ट करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, बर्ड्स को नहीं करते, रेप्टाइल्स को नहीं करते, तो इसका ऑप्शन बी सही है, इंसेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन बी में दे रहा है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर सही हो तो टिक कर दीजिए और रॉन्ग स्टेटमेंट हो तो क्रॉस कर दीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे पौधे जो लैंड पे बढ़ते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, रॉन्ग है, क्रॉस कर दीजिए इसके सामने, जो बॉक्स बना हुआ है उसमें क्रॉस का साइन ठीक करिए। सेकेंड, वाटर सैंक एंड डकवीट आर कॉमन फ्लोटिंग प्लांट्स, ये ट्रू है, टिक कीजिए इसके सामने, ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। प्लांट्स विच आर नॉट ग्रीन आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं है उसको नॉन ग्रीन प्लांट कहते हैं, ये भी सही है, तो टिक कीजिए इसके सामने। ग्रास, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ग्रास डज नॉट नीड एज मच वाटर एज द ट्री आर बसेज, ग्रास को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है जैसे कि ट्री को या फिर बसेज को, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, टेक कर लीजिए। फ्लोटिंग प्लांट्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय देयर रूट्स व्हिच ग्रो इन द वाटर बेड्स, फ्लोटिंग प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स वाटर बेड तक जाती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, फॉल्स सही है, तो इसके सामने क्रॉस कर देंगे, क्योंकि जो वाटर पर तैरने वाले प्लांट्स हैं उनकी रूट वाटर में ही रहती है, वाटर बेड तक नहीं जाती है। सी में देखिए, एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एंसर दिए गए हैं उसका, क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडाप्टेशन, एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन के डेफिनेशन बताई गई थी, द नेचुरल होम्स ऑफ ए प्लांट आर एन एनिमल्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। बुक में देख लीजिए, बुक में यहाँ पे पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है, पहली लाइन के ठीक नीचे दूसरी लाइन में द स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज एडाप्टेशन, तो यहाँ एडाप्टेशन की डेफिनेशन है, लेकिन हाँ ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, टिक कर लीजिए बुक में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडाप्टेशन ऑफ ट्री इन प्लेन्स, प्लेन्स में पाए जाने वाले ट्री में कौन सा एडाप्टेशन होता है? इसका भी आंसर पेज नंबर 10 पर ही दिया हुआ है, हेडिंग देखिए, प्लांट्स ग्रोविन इन प्लेन्स, इसमें सेकेंड लाइन में दे आर अडाप्टेड टू विच स्टैंड द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द प्लेन्स, दे कैन सर्वाइव इन मॉडरेटली कोल्ड एज वेल एज हॉट मंथ, हाउ एवर द सेट मोस्ट ऑफ देयर लिव्स इन ऑक्टोबर, यहाँ तक नोट करिए, सेकेंड लाइन में दिया है दे आर एडाप्टेड, यहाँ से लेकर के और फोर्थ लाइन में
दिया हुआ है दे आर लिव्स इन अक्टूबर तक, टोटल नोट करना है। एडाप्टेशन क्या क्या है प्लेन्स में पाए जाने वाले ट्री में, टोटल नोट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर कोकोनट ट्री एडाप्टेड टू ग्रो इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में कोकोनट का ट्री पाया जाता है उसमें कौन कौन सा एडाप्टेशन होता है, कैसे एडाप्ट करता है, तो इसके लिए देखिए कोस्टल एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स, कोस्टल प्लांट्स पेज नंबर 12 पर दिया हुआ है, हेडिंग है कोस्टल प्लांट्स। इसमें देखिए प्लांट्स सच एज कोकोनट ग्रो इन द कोस्टल एरिया बिकॉज दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर रिच इन साल्ट टू सर्वाइव, यहीं तक लिखिए। और उसमें जो सेकंड सेंटेंस है इसको छोड़ देना है, द सीड ऑफ कोस्टल प्लांट्स आर यूजली डिस्पेस्ड बाय वाटर, ये नहीं लिखना है, केवल फर्स्ट और सेकंड लाइन में से आओ। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग प्लांट्स एंड फिक्स्ड प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट्स और फिक्स्ड प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, दोनों की डिफिनीशन देंगे तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि फ्लोटिंग प्लांट्स क्या है और फिक्स्ड प्लांट क्या है। तो फ्लोटिंग प्लांट्स की हेडिंग देखिए पेज नंबर 12 पर, फ्लोटिंग प्लांट्स रेड कलर से हेडिंग दी हुई है। इसमें द प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस वाटर सरफेस दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, इसकी डिफिनीशन है, ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर पर फ्लोट करते हैं, वाटर सरफेस पर तैरते हैं उसको कहते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। और इसी में फिर सेकेंड हेडिंग देनी है फिक्स्ड प्लांट के, फिक्स्ड प्लांट किसको कहेंगे, फिक्स्ड प्लांट्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय देयर रूट्स व्हिच ग्रो इन द वाटर बेड्स, फिक्स्ड प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिनकी रूट वाटर बेड तक जाती है उसको कहते हैं फिक्स्ड प्लांट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू मैंग्रोव ट्रीज हैव ब्रीथिंग रूट्स, मैंग्रोव ट्रीज जो है उसमें ब्रीथिंग रूट क्यों आती है, अदर प्लांट में हम देखते हैं कि इस टाइप की रूट नहीं होती है लेकिन इसमें ब्रीथिंग रूट पाई जाती है, इसका रीजन है ये ऐसी एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर कि कलई मिट्टी होती है, कलई सॉइल बहुत ही स्टिकी होती है, उसमें एयर आसानी से नहीं जा पाती है, तो रूट को एयर लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, ये ज़मीन से ऊपर आ जाती है, ये रीजन है। इसको नोट कहाँ से करेंगे ये भी देख लीजिए, पेज नंबर 12 पर, प्लांट्स ग्रोविंग इन मर्सी एरियाज हेडिंग दी गई है सबसे ऊपर ही, देयर रूट्स डू नॉट गेट एयर अंडर द सॉइल, इनकी रूट जो है सॉइल के अंदर से एयर नहीं ले पाती है, हैंस ग्रो एबव द सॉइल, इसलिए ये क्या करती है जमीन से ऊपर आ जाती है, सच रूट आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट, इसको ही ब्रीथिंग रूट कहा जाता है। तो ब्रीथिंग रूट आने का क्या कारण है, बस वही जो बताया गया कि इसको एयर आसानी से नहीं मिल पाती है सॉइल से, इसीलिए ये जमीन से ऊपर आ जाती है। 6 क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है किसे कहेंगे, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की हेडिंग देखिए पेज नंबर 13 पर, सबसे नीचे हेडिंग दी गई है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसमें लिखेंगे मोस्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक विनस फ्लाई ट्रैप सैंडियो एंड पीटर प्लांट्स ईट फ्लाइंग एंड क्रावलिंग इंसेक्ट, बस यही तक लिखिए कि ये इंसेक्ट को खाते हैं इसीलिए इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। ये ऐसी एरिया पाए जाते हैं जहाँ पर कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, इसको बुक और कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए।